नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। तुर्की की राजधानी अंकारा में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव की गोली मारकर हत्या। हमलावर ने हत्या के बाद लगाए धार्मिक नारे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजदूत की हत्या को बताया उकसाने वाली कार्रवाई। इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग में भी जीते अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप, 20 जनवरी को लेंगे शपथ। भारत के बाद अब पाकिस्तान भी नोटबंदी की राह पर चला। संसद में 5000 रुपए के नोट को बंद करने का प्रस्ताव पास। 3 से 5 साल में लागू होगा प्रस्ताव। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक क्रिसमस बाजार में बेकाबू ट्रक ने लोगों को कुचला, 12 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। घटना की जांच में जुटी पुलिस। भारतीय राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा, यदि पाक शांति स्थापना के लिए संजीदा है तो आगे आकर काम करना चाहिए, न कि आतंकियों की मदद करनी चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम कारनामों को दे रहे हैं अंजाम। इक्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। रिक्टर पैमाने पर 5.7 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ